शादी से बुनियाद रे। मैंने एक दिन आप लोगों के बीच में कहा था शिव संकल्प, शिव संकल्प, शिव नाम शुभ मंगलमय, हमारा संकल्प शिव हो। सब दुखी क्यों है? संकल्प अशिव है, गंदा, राग द्वेष ईर्षा क्रोध काम लोभ मोह, इसी सब का संकल्प होता है, इसलिए सब जीव दुखी है। शिव संकल्प हो। शुक्ल यजुर्वेद में ये 6 मंत्र शिव संकल्प के, यद जागृतो दूर मुदैत देवम तद सुप्तस्य तथै वेति, दूरम गमम ज्योतसाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु। यद जागृतो दूर, दूरम उदैत देवम, ये मन रूपी देव जागृत अवस्था में जो बहुत दूर चला जाता है, न मालूम कहाँ कहाँ की बात याद कर लेता है, तद सुप्तस्य तथैवेति, वह सुसुप्त में भी दूर चला जाता है। सुसुप्त में दूर चला जाने का मतलब इतना है कि सब भूल जाता है। जागृत अवस्था में भी वो दूर नहीं जाता है, बस हृदय ही में, मन ही में याद हो जाती है। मन कहीं देह से निकल करके जाता थोड़े है, ख्याल आ गया, दिल्ली गए थे, बॉम्बे गए थे, कलकत्ता गए थे या कहीं गए थे, उसका ख्याल आ गया, नहीं गए थे सुने हैं तो ख्याल आ गया, तो रहता मन अंदर में है। दूर जाने का अर्थ है दूर की याद हो जाती है। जो जागृत अवस्था में दूर चला जाता है और सुसुप्त अवस्था में भी वैसे ही दूर चला जाता है, दूर चला जाने मतलब याद नहीं रहता है। दूरम गमम ज्योतसाम ज्योतिरेकम, जो दूरगामी है, बहुत चलने वाला है और ज्योतियों में एक महान ज्योति है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्त, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, बिल्कुल सकारात्मक दृष्टि लेकर के वेद की ऋषि कहते हैं, ये मेरा मन जागृत अवस्था में दूर चला जाता है और सुसुप्त में भी मानो दूर चला जाता है, इतना दूरगामी है वह ज्योतियों ज्योतियों में महान ज्योति है। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतिषाम ज्योति एकम, ये पदच्छेद होगा, इसका अर्थ किया जा सकता है एक जीव की जो ज्योति है, एकम एक आत्मा, आत्मा की जो ज्योति है, या इस ढंग से भी कहा जाता है जो ज्योतियों में ज्योति है, अर्थ में कोई फर्क नहीं। मन हमारा ज्योति है, मन अगर याद करना छोड़ दे हम कुछ नहीं जानेंगे। मन बहुत बढ़िया साधन है और मन का आदर करो, मन को शिव संकल्प में लगाओ, शिव संकल्प, गंदे संकल्प में न लगाओ। हमारी विशेषता है कि हम मन को सब समय निर्मल रखें। निर्मल रखने में बाधा क्या है? हमारा अहंकार, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव जो क्षणिक है। दो भाइयों में झगड़ा होता है, जिन चीजों को लेकर के कुछ ही दिन में उनको अपने पर घृणा होती है कि मैंने क्या कर डाला, कि वेद का मंत्र मैं लिख ही रहा था, तैसे दो भाई मेरे शिष्य आ गए, भक्त,
दोनों जमीन को लेकर के, मेरे साथी ने कहा जमीन की बात है तो मैंने कहा जमीन में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, जब बैठा बंटवारा की बात है तनाव। मैंने कहा जमीन बड़ी नहीं, तुम लोग बड़े हो, और तनिक तनिक बात को लेकर के क्यों खराब करते हो। चार दिन के बाद तुम्हें ही घृणा लगेगी अपने ऊपर कि क्या कर रहे थे। दोनों शांत हो गए। दोनों ने जो बताया मैंने कहा इस ढंग से कर लो। दोनों खुश हुए। मैंने कहा मुझे फुर्सत नहीं अभी, फिर मिलना, अगर समाधान हो तो फिर मिलना। कोई बात होती है जिसको हम बहुत तोलाज देते हैं, चार दिन के बाद वो कुछ नहीं रह जाता है, इसलिए भावुक नहीं होना चाहिए। मैंने एक दिन महाभारत की कहानी कही थी कि सत्यवती का पिता जो केवट था, सत्यवती वेदव्यास की माँ, वेदव्यास तो पहले पैदा हो चुके थे और वे पैदा हो के थोड़ा बड़ा होके चले गए थे, लिखा तो यही पैदा हुए और चल दिए, ये तो अतिशयोक्ति है, पराशर द्वारा पैदा हुए और चले गए कुछ दिन में। उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। संतन ने देखा, सांतन संतन दो ढंग से कहते हैं, राजा कुरुवंशी वो मुग्ध हो गए, कहे कि इन्हें हमें दे दो। उन्होंने कहा शर्त है, शर्त मानो तो दूंगा। कहे शर्त पहले बताओ, अगर मैं पूरा कर पाऊंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्योंकि एक शर्त में गंगा से बंध करके बहुत दुख पाए थे, उस दिन मैंने पूरा कहा था, आज वो नहीं कहूंगा। गंगा नदी ही स्त्री बन गई थी तो बकवास है। गंगा के किनारे वो किसी की लड़की थी, लड़की का किससे थी पता नहीं था, लेकिन सुंदरी और योग्य थी। संतन ने उसे चाहा था तो उसने कहा था देखो मेरी शर्त है कि मैं जो कुछ करूं पाप पुण्य तुम बोल नहीं सकते हो, अब मुझसे कठोर वचन कहोगे तुरंत मैं चली जाऊंगी, ये मान लिए। और उसके पश्चात जो उन्हें दुख हुआ जीवन में हद, वो भी भावुक होकर के सकिए। तो शर्त में एक बार दुख पा चुके थे, जब बताया तब बेचारे संतन जा करके खाट में पड़ गए। अब देखो राजा हैं लेकिन एक स्त्री के चक्कर में पड़ करके कमजोर हो गए। भीष्म सुने, पता लगाए, उनसे पूछे, मंत्रियों से पूछे, ज़्यादा सत्यता का पता रथवान से चला, जो रथ लेके हरदम उनके साथ रहता है, कि ये उस पर फिदा है सत्यवती पर। तो वो गया केवट से कहा कि पिता के लिए तुम दे दो, तो शर्त बताया, कहे ठीक है, इस सत्यवती से जो बच्चा पैदा होगा वही राजा होगा। तो कहे लेकिन बड़ों से लड़ेगा कौन, आपके बच्चे होंगे और न माने तो। कहे मैं शादी ही नहीं करूँगा, अखंड ब्रह्मचारी रहूँगा। तो आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन लड़की दिया, लाके संतन को उन्होंने दे दिया, पत्नी उनकी हो गई। और उनसे जो बच्चे हुए चित्रांगद और विचित्र वीर, चित्रांगद बड़े थे महाघमंडी, अपने समान किसी को नहीं समझता था, वही गद्दी बैठा बड़ा था, और गंधर्वों से 3 बरस लड़ करके कट के मर गया। तब विचित्र बीज बैठाए गए, फिर भीष्म पितामह काशी में नरेश के यहाँ स्वयंवर था, अंबा अंबिका अंबालिका 3 पुत्रियाँ उनकी थी, तीनों का स्वयंवर था। भीष्म जी पहुँचे तो इनका लोग मजाक करने लगे, रजवाड़े ये बूढ़े कहाँ आ गए स्वयंवर में, वैसे बूढ़े नहीं थे लेकिन विवाह का टाइम निकल गया था, और फिर ये ब्रह्मचारी हैं कहते हैं, घोषणा कर दिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, ये घोषणे भर हैं।
और हर जगह बात होती है, उछड़ गए और उन्होंने तीनों लड़कियों को उठा करके रथ में रख लिया और चल दिए। वैसे भी हड़पने के लिए ही गए थे क्योंकि उनके भाई तो गए नहीं थे, वे स्वयं गए थे और हड़पने के लिए। और जो बड़ी थी वो साल्व राजा से उसका विवाह तय था। साल्व राजा पंजाब से भी और उधर का था, जो आजकल बहुत तुर्कों के क्षेत्र में है। तो अंत में जब उसको तुमने वो लौटा दिए थे, लेकिन न इधर की हुई न उधर की हुई, और उसके परिणाम में बड़ा दुख हुआ, और उसी के परिणाम में भीष्म मारे गए। ये कथा अलग है। विचित्र वीर जी को ये दो पत्नियां अर्पित की गई, अंबिका और अम्बालिका। 7 वर्ष तक वे उन्हीं में डूबे रहे, अय्यास महाअय्यास, और रोगी होके मर गए। अगर वो केवट जिंदा होगा तो बड़ा दुखी होगा। मैंने नाहक ये प्रतिज्ञा करवाई। सत्यवती से एक बच्चा हुआ महाउद्दंड, महाघमंडी, वो युद्ध में कट के मरा, और दूसरा अय्यासी में मरा। तब फिर वेदव्यास ने अंबिका अम्बालिका से धृतराष्ट्र पांडु को पैदा किए। तो कोई भी बात है, हम जोश में पढ़ते हैं, पीछे पछताना पड़ता है। कभी जोश में नहीं रहना। तन में मना शिव संकल्प मस्त, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छा संकल्प करे, विनम्र कोमल शुद्ध। एन कर्माण पशु मनीषण यज्ञ कृणवंदी विदेश धीरा यद पूर्व यक्षमंत प्रजानाम तरमे मना शिव संकल्प मस्त। जिसके द्वारा कर्मण अपशव मनीषण यज्ञ किणवंत विदेश धीरा, धीरवान विद्वान लोग जिस मन के द्वारा कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। यज्ञ भी मन के द्वारा होता है, मन न हो तो यज्ञ कैसे होगा। यत पूर्वम यक्षमंतम प्रजानाम, यत अपूर्वम यक्षमंतम प्रजानाम, जो प्रजा में अपूर्व रूप से पूजनी है। यक्षमंतम का मतलब होता पूजनी, यक्षण पूजन, जो अपूर्व रूप से पूज्य है। अपूर्व का मतलब होता है उसका कोई जोड़ा नहीं। प्रजा में प्राणियों में मनुष्य ही पूज्य है। कवि साहब ने कहा मन पूजा सब ठोर, और उल्टा सीधा चाहे जैसे भी हो। तम्बाकू खाते हैं मन की पूजा, गंदे मन की पूजा करते हैं। शराब पीते हैं गंदे मन की पूजा करते हैं। अंडा खाते हैं मांस खाते हैं गंदे मन की पूजा करते हैं। क्रोध करते हैं द्वेष करते हैं कट बोलते हैं गंदे मन की पूजा करते हैं। विषय वासना में डूबे रहते हैं गंदे मन की पूजा करते हैं। शील क्षमा दया करुणा प्रेम विनम्रता सेवा सद्भाव ये सब कर्म करते हैं, पवित्र मन की पूजा करते हैं। यत अपूर्वम यक्षमंतम प्रजानाम, जो प्रजा में अपूर्व रूप से पूज्य है, तन में मना शिव संकल्प मस्त, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, पवित्र विचार वाला हो। सुबह नींद खुले ध्यान रखो गंदगी ना आए। जिन बातों को लेके गंदगी आती है उन बातों की कोई कीमत नहीं, उनसे आपके आत्मा का कोई संबंध नहीं। सब क्षणिक 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 भागता चला जाता है। जीवन का इतना समय आपने बर्बाद किया है गलत सोच कर गलत बोल कर गलत काम करके और दुख पाया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। यद प्रज्ञान मुच्चेतो धृतश्च यद ज्योतिरंतरमृतम प्रजास यस्मान रीते किंचन कर्म कृते तन्मे मन शिव संकल्प मस्त। यद प्रज्ञान मुच्चेतो धृतश्च
जो ज्ञान स्वरूप है प्रज्ञान और चेतो जागृत सावधान धृतश्च जिसमें धारणा होती है, मन ही में तो धारणा होती है, और मन ही जिसका विवेक में पक जाता है, इतना धैर्यवान हो जाता है कि चाहे जैसी स्थिति आए वो व्याकुल नहीं होता है, कच्चा मन भाए भाए करने लगता है, तनिक प्रतिकूलता आई मार दुखी ईड़िस चोटी तक विकंपित। पक्का मन वाला, विवेक में जिसका मन पक्का है, तीन गुण प्रज्ञान चेत धृतश्च जिसमें ज्ञान है, इस मन में ज्ञान है और सावधानी है और धैर्य है, ये गुण मन ही में होते हैं। यत् ज्योतिरन्तरमृतं प्रजास, जो प्रजा के अंदर में अमृत रूप में ज्योति है, ऋष मन की कितनी बड़ाई करते हैं, अमृत रूप में मन को अमृत बना लो, निर्मल मन अमृत है, गंदा मन दुश्मन है, जहर है। जब जब हमारा मन व्याकुल होता है समझना चाहिए हमारा पाप उदय है, लेकिन हम ये नहीं मानते, हम मानते हैं अमुक ने हमें ऐसा कट कहा है, जैसा उसका स्वभाव था कह दिया, और उसको तो आप सुधार नहीं पाओगे। जीवन में ऐसे लोग मिलते रहेंगे, कहते रहेंगे, कब सुधरोगे, कब अपनी दशा में ठहरोगे। घाटा हो गया, जीवन में घाटा होगा, मुनाफा होगा, शरीर में बीमारी भी आ जाएगी, अच्छा हो जाएगा, अनुकूल लोगों का मन बदल जाएगा, प्रतिकूल लोगों का मन अच्छा भी हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। ये दुनिया का परिवर्तन कोई रोक नहीं पाया है, और इसको लेकर के आप कमजोर बनोगे, अपने मन को मैला बनाओगे, अपने कल्याण का काम कब करोगे। कुमारी भूई न मिली, अवध क्षेत्र में अवधी भाषा में कहते हैं, जो बड़ी छिनकही आदत के होते हैं, सब जगह जिनको बुरा लगता है, हर बात में छिनकही आदत, लोग कहते भैया कुंवारी भूई कहाँ पर हो, यानी ऐसी जमीन में बैठो जहाँ तुम केवल सुखी रहो, कहाँ पाओगे। अपना मन ठीक करो, जिसमें ज्ञान है, सावधानी और धैर्य है, जो ज्योतियों में ज्योति और अमृत है सब प्रजा में, यस्मन न रिते किंचिन क्रम क्रियते, जिसके बिना थोड़ा भी कर्म संभव नहीं है। मन के बिना कोई कर्म संभव है? संभव नहीं। तन्मे मन शिव संकल्प मस्त, ओ मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत प्रगृहीतम अमृतेन सर्वम एन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् प्रगृहीतं अमृतेन सर्वम्। जो अमृत मन भूत वर्तमान और भविष्य सबके ज्ञान को ग्रहण करता है, पीछे वाली बात किस में रहती है? मन में। वर्तमान की बात मन में टिकती है, भविष्य के लिए कल्पना मन में होती है। एने इदम, एन इदम भूतम भुवनम भविष्यत, भुवनम भुवन लोक को कहते हैं, लेकिन भूत और भविष्यत के बीच में ये भुवन है, इसलिए इसका अर्थ वर्तमान माना जाता है। शब्द के अनुसार नहीं, शब्द के अनुसार तो भुवन का अर्थ होता लोक। हिरीदम भूतम भुवनम भविष्यत प्रगृहीतम अमृतेन सर्वम, जो अमृत रूप में है
और सभी प्राणियों में है वह मन भूत भविष्य और वर्तमान सबके ज्ञान को ग्रहण करता है। ये यज्ञस्तायते सप्त होता जिसके द्वारा सात होता यज्ञ करते हैं। सात होता कौन है? होता नाम हवन करने वाले, पांच ज्ञान इंद्रियां, चित और बुद्धि। ये सात होता हवन करने वाले मन ही द्वारा सब चलते हैं। मन संकल्प न ले तो आंखों के सामने आदमी चला जाएगा, हम जानेंगे नहीं। मन अलग है, अनवस्थान मन हो गया, कोई बात कह रहा है मेरा मन अलग है तो बात नहीं सुनते हैं, तो कहते जरा फिर से कहिए। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां, आँख नाक कान जीभ चाम, चित्त जो अनुसंधान करता है और बुद्धि जो निर्णय देती है, ये सब मन के द्वारा ही है। इन यज्ञस्तायते सप्त होता, जो सात हवन करने वाले जीवन रूपी यज्ञ में हवन करने वाले पांच ज्ञानेन्द्रिय चित्त और बुद्धि हैं, तन्मे मन शिव संकल्प मस्त। जिस मन के द्वारा पांचों ज्ञानेन्द्रियां चलती हैं, चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करती है और जीवन का यज्ञ निरंतर चलता है, ये सात होता सब समय हवन करते हैं यज्ञ जीवन में, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। अच्छी बात सोचे, खराब न सोचे। यस्मिन रिचः साम यजुंस यस्मिन प्रतिष्ठिता नाभिवारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्ति। यस्मिन रिचः साम यजुंस, जिस मन के द्वारा ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद प्रतिष्ठित हैं, कैसे? रथ नाभि वारा, रथ की नाभि में जैसे अरे प्रतिष्ठित हैं। अरे का मतलब है सातीर, तिरछी तिरछी सातीर। साइकिल है ले लो, साइकिल की जो नाभि है उस नाभि में पतली पतली तीलियां सब तरफ लगी हुई और पहिए में जुड़ी हैं, उनको अरे कहते हैं। सारे अरे नाभि में जुड़े हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इसी प्रकार और सब समझ लो, सारा ज्ञान विज्ञान जिस मन में प्रतिष्ठित है, जिसके बिना ये सब संभव नहीं है। यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, जिसके द्वारा जिस मन के द्वारा सभी प्रजा में चित्त ओतप्रोत है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्त, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। सुसार्थिर स्वामिनु सुसार्थिर स्वनिव यन मनुष्यान नियते अभि सुवि वार जिन यु हित प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्ठम तनमे मन शिव संकल्पमस्त। सुसारथ अश्वान्यु यन मनुष्य यद मनुष्यान नियते अभि सुभिर वाजिन यु, जैसे घोड़ा को अभिशुभ लगाम लगा करके उसको जिस तरफ चाहो घुमाओ, उसी प्रकार सारथी जो कोचवान है घोड़े को लगाम लगा करके जिधर चाहता है उधर ले जाता है, लगाम उसके हाथ में है। उसी प्रकार ये मन सब पर लगाम लगाए जिधर चाहता है ले जाता है। हित प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्ठम, सबके हृदय में प्रतिष्ठित, सबके हृदय में मन बैठा है। यद जिरम यद अजिरम
जो अजीर है जीर्ण नहीं होता है, मन जीर्ण मन बूढ़ा नहीं होता है। जविष्ठम बहुत तेज है, जविष्ठ का मतलब तेज, जव तेज, बहुत तेज है। तनमे मना शिव संकल्प मस्त, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। सारथी रथ में बैठा है, घोड़े को लगाम लगाए है। अब लगाम है तो जिस तरफ चाहे घुमावे, हमारा मन हम सब के ऊपर बैठा है और लगाम अपनी लगाए है, जिधर चाहता है घुमाता है, वह शिव संकल्प वाला हो, गलत जगह न ले जाए। वेद की ऋषि इन छह मंत्रों में एकदम मन की प्रशंसा करते हुए उसको अजर, अमर, अमृत, जविष्ठ, नितेज, दूरंगमम, दूर जाने वाला, और अपूर्वम यक्षमंतम, अद्वितीय रूप में पूज्य, ये सब विशेषण दे करके मन की प्रशंसा करते हैं। और प्रशंसा करके यह कामना करते हैं, हे मन अच्छा संकल्प कर, गलत संकल्प न कर। गलत संकल्प हमें गलत तरफ ले जाता है, अच्छा संकल्प अच्छी तरफ ले जाता है। खराब मन हुआ जीवन में दुख दुख है। बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कबों भरल वह कबों सुखाए। मन को चित लगा करके समझो, कभी ये भर के बहता और कभी सूख जाता है। काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, ना तल तपत न ऊपर आग, जल में ललनी तोर निवास। जल में काहिल नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, नहीं तल तपत न ऊपर आग, कौन होते कौन हित तुहको लाग। कहें कबीर जो जलई समान, सो नहीं मुए हमारी जान। ये छोटा सा पद कबीर साहब का मन के लिए है, मनोवृत्त के लिए। काहिर नलनी तू कमिलानी, नलगी नलनी कमलनी, मनोवृत्त के लिए हुए कमलनी के शब्द प्रयोग करते हैं। अलंकारों में तो कहते ही अय नलनी अय कमलनी तू क्यों कुमिला गए, अय मनुष्य की मनोवृत्ति क्यों दुखी है। काहिर नलनी तू कुमिलानी, अय मनोवृत्ति तू मुरझाई क्यों है, दुखी क्यों है। तेरे नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में जड़ में सरोवर भर पानी भरा है, पूरा पानी लहरा रहा है और तू कुमिला रही है। सरोवर आत्मा है, मनोवृत्ति उसी में है। आत्मा शीतल है और शीतल आत्मा में मन है, मनोवृत्ति है, और कुमिलाई है, मुरझाई है, दुखी है। कितना आश्चर्य है। काहिर नलनी तू कुमिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। अय नलनी अय कमलनी, जल में तेरी उत्पत्ति हुई है और जल में तू बस रही है और जल में तेरा निवास स्थान है। जल में उत्पत जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, नहीं तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु को कासन लाग। न तल में तपन है न ऊपर से आग बरसती है, न तल तपत न ऊपर आग, तपन ऊपर से होती आग नीचे होती है, जमीन पर आग होती है और तपन ऊपर से धूप की आती है। लेकिन साहब तो उल्टवासी कहने माहिर हैं, नहीं तल तपत, नीचे से तपन नहीं है और ऊपर से आग नहीं बरसती है। तोर हेत को कासन लाग, तेरा हेत तेरा प्रयोजन किससे लगा है, क्यों मुरझाइए। जल में उत्पत जल में वास, आत्मा के संपर्क में ही तो मनोदय होता है।
अब आत्मा के साथ ही तो रहता है। आत्मा इतना शीतल, इतना आनंदमय और मनोवृत्ति इतनी मुरझाई, क्यों? आत्मा को ज्ञान नहीं, अपने आप की समझ नहीं है, वो चीज़ों के चक्कर में मन उद्वेगित है, दुनिया की चीज़ों को लेकर के मन दुखी है, सम्मान नहीं मिला, अपमान मिला, मेरा आदर नहीं हुआ। एक बार की बात यही कहा करता हूँ आप लोगों के सामने, मैं बहराइच में था, बाराबंकी आना था श्री विशाल सेठ साहब के दर्शनार्थ, फगुई का दिन था एक दिन पहले, तो मैं बहराइच से निकला साइकिल, वहाँ पर रक्षा पर बैठा था, थोड़ी दूर जा करके फिर बस पकड़ना था। एक नौजवान मुस्कुराते निकला पिचकारी लिए, मैं समझ गया डालेगा, डाल दिया, क्या करूँ। उसने कहा फगुई है महाराज, तो गया श्री विशाल साहब यहाँ, जब पहुँचा एक महात्मा है बूढ़े, कहे साहब हम तो पूरे बाजार में घूमे, एक को कुल्ला कोई रंग नहीं डाले, बड़े दुखी रहे, कोई चाहते थे मेरे ऊपर रंग डाल दे कोई। मैंने कहा भाई मैं दुखी तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छा नहीं माना उसने, रंग डाल दिया, मेरा चला खराब कर दिया। अब आप इसलिए दुखी हैं कि किसी ने रंग नहीं डाला, क्या कहा जाए। साहब पूरे बाजार में घूमा, एको कुल्ला कोई रंग नहीं डाल दी, इतना दुखी बेचारे महात्मा थे, बूढ़े थे। हम थोड़े थोड़े में दुखी हैं, इस सपना में क्यों दुखी हो, क्या है आपका हर लिया कौन, विनम्र हो जाओ। सपना सब संसार यह सपना तीनों लोग, सुंदर जागे उस सपन से तब सब जाने हो फूक, सारा संसार सपना है, तीनों लोग सपना है। जब सपना से जग गया तो सब फूक लगा व्यर्थ। किस चीज का संबंध कब तक है ये अपने पूर्व जीवन को देखते हुए समझो। बचपन से आज तक जो कुछ मिला कहाँ ठहरा है, न मालूम कितना अनुकूलता मिली, न मालूम कितनी प्रतिकूलता मिली, न मालूम कितना सम्मान मिला, न मालूम कितना अपमान मिला, प्री मिले अप्री मिले, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई कि चित्त व्याकुल हो गया, ऐसी ऐसी सामने घटनाएं कि मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं, आज का भी नहीं रहेगा, क्यों दुखी हो। नहीं तल तपत न ऊपर आग, तल में तपन नहीं है, तल आत्मा है मन का, उसमें तपन कहाँ है, अबोध के कारण हम दुखी हैं। ऊपर से कोई हमें दुख नहीं दे सकता है, ऊपर से तो घटनाएं घटती हैं। अष्टावक्र गीता में एक मंत्र आता है कि कौन ऐसी अवस्था है और कौन ऐसा समय है जब द्वंद मनुष्य को न मिले। सब अवस्थाओं में और सब समयों में मनुष्यों को द्वंद मिलते हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग सम्मान अपमान। इसलिए उस ऋषि ने कहा निर्विकार भाव से सबको सह लेना और उपेक्षा कर देना, परवाह न करना, यही सुख का साधन है। मैंने कल कहा था, कल ही वो मंत्र पाया था मैं श्लोक महाभारत में, उलट करके देखा अंतिम खंड देखा, हर्ष स्थान सहस्राण भय स्थान शतानी च, दिवसे दिवसे मूढ़माविशंत न पंडिता। मूर्खों के लिए रोज रोज हजारों हर्ष और सैकड़ों भय के स्थान है, विवेकवान के लिए नहीं। न हर्ष की जगह है और न शोक की जगह है, न भय की जगह है। पंडित यहाँ कहा गया है,
पंडित सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। यस बुद्धि पंडा स पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। पंडित जो प्रज्ञा संपन्न है, स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में प्रज्ञा का अर्थ किया है, प्रकृति से अपने को निवृत्त करके अपने आप में स्थित हो जाना प्रज्ञा का लक्षण है। प्रज्ञावान वह है जो प्रकृति से अपने को निकाल करके स्वरूप में स्थित हो जाए। प्रज्ञावान, प्रज्ञा से ही शायद है ये पंडा पणा इत्यादि बना है, और उसी में पंडित बना। तो मन जिसके आधार में है वो आत्मा स्वभाव से शीतल है। अपने स्वरूप को पहचानो, आपका स्वरूप आकृत विहीन है, नाम रूप विहीन है, रंग रूप विहीन है। आप केशव माधव नहीं हो, आप काले गोरी स्त्री पुरुष नहीं हो, बालक वृद्ध नहीं हो, हो मैं बालक बूढ़ो नहीं ना मोरी चिलकाई हो। आत्मा निर्मल निर्विकार आकृत विहीन रंग विहीन रूप विहीन सर्व विशेषणों से विहीन शुद्ध चेतन मात्र है। इसका बारंबार जप करो, अपने स्वरूप का जप करो। देह में अपने को जोड़ करके क्यों हरदम दुखी हो? कब तक देह रहेगी? ये लोथ, ये लिबलिबी लाश आजकल में मिट जाएगी। नहीं तल तपत न ऊपर आग, न तो मन के तल में जो आत्मा है उसमें तपन है, न ऊपर से कोई आग बरस सकती है। विवेकवान बनो, कोई दुख आपको नहीं है, जो है सब खेल समझो। सम्मान मिल गया, अपमान मिल गया, अनुकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया, खेल समझो। क्यों लचते हो, क्यों राग द्वेष करते हो? नहीं तल तपत न ऊपर आग, तोर हेतु कह कहो कासन लाग। साहब कहते हैं मनोवृत्ति तेरा प्रयोजन किससे लग गया है? बाहर तू अपना प्रयोजन मानती है इसीलिए दुखी है, बाहर तेरा प्रयोजन नहीं है। और बाहर से प्रयोजन जो सिद्ध होने वाला है उसका जप नहीं करना, वो तो अपने आप पूर्ण होता है, बस काम करते रहो। आलसियों का भी पूर्ण हो जाता है, लेकिन वो गलत है। मोघ मन्नम बिंदते अप्रचेता सत्यम बदम, सत्यम बदम बदम इतस्तस्य। मोघम अन्नम बिंदते अप्रचेता, जो अचेत लोग हैं वह व्यर्थ का अन्न खाते हैं। मैं सत्य कहता हूँ वो अपनी आत्मा का की हत्या कर रहा है। आलसी नहीं होना चाहिए, सबको श्रमशील होना चाहिए। जिस श्रेणी में जो है सब जगह श्रमशील हो। कृष कौन है? जो कर्षण करे, कृष क्री कामे नीचे जो लगती क्री री, और मूर्धन्य सा उसमें हलंत लगा दो कृष। ये कृष का अर्थ होता है खींचना, जोतना, चिन्ह पारना, खींचना, दोहन करना, और ऐसा जो करे वो कृषक। जमीन में खींच करके कृषक अन्न बोता है और अन्न का दोहन करता है। अध्यापक बच्चों की विद्या शक्ति को खींच करके उसके व्यक्तित्व में फैला देता है। संत गुरुजन हमारी आध्यात्मिक शक्ति और बोध को खींच करके हमारे व्यक्तित्व में ला देते हैं। वकील का काम है न्याय को खींच करके, वकील और जज का, लोगों के बीच में ला दें, सबका हित करें। लटकावे ना, वकील लटकाते हैं खूब, जितना लटकेगा उतना उनको पैसा मिलेगा। अब आजकल तो जज भी कितने हैं जो लेते हैं, तो ये सब नहीं। हर जगह पुलिस है, पुलिस कृषि है, कृषि करती है, कृषक है, वह सबको शांति देती है। पुलिस का यही काम है एक भटका हुआ आदमी यथास्थान पहुंचावे, भय का निवारण करे।
जितना श्रम किसी दिशा में कोई करता हो सब कृषक हैं। इस पर ज़्यादा विवरण देने के समय अवसर नहीं है, लेकिन संकेत में आप समझ सकते हैं। कृषि का अर्थ है खींचना, कृषक का अर्थ है खींचने वाला, कृषि का अर्थ है खेती। तो अगर आप किसी दिशा में सकारात्मक सेवा कर रहे हैं तो आप कृषक हैं। एक आदमी है कपास से सूत बनाता है और सूत से कपड़ा बुनता है, कृषक है। इसी प्रकार एक आदमी मशीन बनाता है, एक आदमी और कुछ करता है, विद्या दान करने वाला विद्या देता है, ज्ञान दान करने वाला ज्ञान देता है, ये सब कृषक हैं, सब कर्षण करते हैं। गुरु शिष्य की शक्ति का कर्षण करके, खींच करके उसके व्यक्तित्व पर फैला देता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। गुरु कहते हैं जो मैं हूँ वही तू है। वो अपने को क्यों तुच्छ मानता है, क्यों दुखी है, दुख तेरे में है ही नहीं। और उसके सुख को, उसकी शांति को उसके जीवन में ला करके उपस्थित कर देते हैं। तो सब कृषक हैं, जिस दिशा में जो काम करें वो कृषक हैं। भिक्षा मांगने का अधिकारी वह है जो ज्ञान वैराग्य साधना से रहता हो, कोई आधार न रखता हो तो रोटी मांग ले। और दूसरा है जो बिल्कुल असमर्थ हो, कुछ न कर पावे, वो भिक्षा मांग सकता है। और भिक्षा मांगना जो पेशा है बहुत गलत है। सबको श्रमशील होना चाहिए अपनी श्रेणी में, और अपनी अपनी जगह पर श्रम करते हैं तो सब कृषक हैं। तोर हेतु कहो कासन लाग, शायद कहते हैं मनुष्य की मनोवृत्ति, तेरा प्रयोजन किससे लगा है, कहाँ तू अपने को फंसाए है। ये कांतार जगत भयंकर उबड़ खाबड़ घोर जंगल, कांतार, कांतार कहते हैं घना जंगल और उबड़ खाबड़ जगह। ये संसार कांतार है, घोर है। अभी मुझे एक ने बताया, हमारे वहाँ सामने प्रीतम नगर में आश्रम के पास एक सुंदर युवक जो अच्छे प्रवक्ता थे, पढ़ाते थे, पढ़ा के निकले, उनको कोई गोली मार दी। क्या है ये इरशादो, इसके अलावा क्या है? जिनकी मृत्यु हो गई उनको तो कुछ पता नहीं, गोली लगी होगी, एक धक्का जैसा लगा होगा, तुरंत अचेत हो गए होंगे, कोई दुख नहीं हुआ होगा ज़्यादा। लेकिन जिन्होंने गोली मारी उनको गोली हरदम लगेगी, पकड़े जाएंगे तो और दुर्दशा होगी, नहीं पकड़े जाएंगे तो अंदर अंदर होगी। एक ने मुझसे कहा था कि महाराज मैंने एक की हत्या कर दी है और वो रोज़ मेरी हत्या करता, अब मैं उस पाप से छूट नहीं पा रहा, चित्त पर हरदम चढ़ा रहता है। आदमी कैसा बदहवास है। तोर हेतु को हुकासन ला, किससे तुम्हारा मन लगा है, कहीं मन न लगाओ। काहे कबीर जो जलह समान, ते नहीं मुए हमारी जान। साहब कहते हमारे जान में, हमारी समझ में वो नहीं मरा जो जल में समा गया। जल आत्मा, यहाँ भी जल आत्मा है। जल शीतल है, जो आत्मलीन हो गया वो अमर हो गया। वेद के 5 शिव संकल्प मंत्र मैंने आप लोगों को सुनाया, और कबीर साहब का ये पद, काहिर नलनी तू को मिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। नलनी मनोवृत्ति है, दोनों जगह बड़े आदर से है। कुल मिलाकर के जो हमारा मन है, मनोवृत्ति है, उसी में विष है, उसी में अमृत है। इसको संभालें,
हरदम मन को संभालो, हरदम मन को संभालो। आप दुखी हैं तो मन खराब है, उल्टा पलटा सोच रहे हो, तनिक बात को लेकर के भयभीत हो गए हो, जरा सा कोई प्रतिकूल कह दिया महा दुश्मन मान लिए, इतना मान लिए कि हमारी जान न वो ले लें, यहाँ तक लोग मान लेते हैं, और बेकार की बात है। घाटा की कल्पना हो गई तो लगता है भोजन नहीं मिलेगा, और बहुत भरा है घर में, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के पत्नी ने थोड़ा बेरुखी बात कर दी बस लाठी लग गई, बच्चे ने कुछ कह दिया मन दुखी हो गया। ये सब कायरता के लक्षण हैं। दूसरे से जितना घात प्रतिघात आवे निर्विकार भाव से सह लो, वो सब सबका अपना अपना उबाल है। मैं कहा करता हूँ कि सबके अंदर से जहर और अमृत निकलता है, अमृत तो कम जहर ज़्यादा, क्रोध द्वेष ईर्षा कटुवचन ये सब जहर है, प्रेम करुणा स्नेह शीतलता ये अमृत है। तो अमृत तो कम निकलता है, जहर ज़्यादा। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो और अपने जहर को मारो, यही उपाय है। दूसरे के जहर को स्वीकारो न, एक तो बेचारा वो जल रहा है तब कट कह रहा है, ईर्ष्या में दग्ध है, उसे दुखी है और उसे तुम भी दुखी हो गए और फिर प्रतिक्रिया में पड़ गए, उसको और दुख दे रहे हो। शांत हो जाओ तो उसको भी थोड़ा थोड़ी शांति मिलेगी। कोई कट कहता हो और आप शांत रहे, वो कट कहने वाला धीरे धीरे बंद कर देगा, पश्चाताप करेगा, अब आपके प्रति उसको विश्वास होगा। गांधी जी के प्रति अंग्रेज भी विश्वास करते थे, वो जानते थे कि जहाँ ज़्यादा वैसी बात आएगी तो गांधी जी रोक देंगे। दक्षिणी अफ्रीका में थे जब उनका आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या, भारतीयों की मांग थी, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार अंग्रेज लोग करते थे तो आंदोलन चलाए थे। उसी समय रेलवे कर्मचारी जो अंग्रेज थे वो सब कर्मचारी वो स्ट्राइक कर दिए अपनी मांग के लिए, तो अंग्रेज सरकार परेशान हो गई, गांधी जी को तो और उसमें दबाना चाहिए राजनीति की दृष्टि से और तेज करें जिससे सरकार और परेशान हो, लेकिन गांधी जी ने अपने वर्करों नेताओं को रोक दिया कि सरकार इस समय दुख में, रेलवे कर्मचारी वो सब स्ट्राइक कर दिए, वो सब कर्मचारी अंग्रेज थे, तो भाई सरकार संकट में है, हम लोग शांत हो जाए, वो शांत हो गए। अंग्रेजों पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि असेंबली में गांधी जी को बुलाया गया तो एक अंग्रेज मंत्री ने कहा गांधी हम जानते हैं भारतीयों को कैसे दबा के रखा जा सकता है, लेकिन आप तो ऐसे हैं कि विरोधी के भी मित्र हैं, सारा अस्त्र शस्त्र हम लोगों का ठंडा हो जाता आपके सामने, विनोद में कहा था। अंत में इंग्लैंड से ही एक युवक आकर के गांधी फिल्म बनाया, हमें ऐसा जीवन बनाना चाहिए हमारा विरोधी भी समझे कि वे अच्छे हैं। सब कुछ मन पर निर्भर है, केवल मन निर्मल है पूरा जीवन निर्मल है, और मन गंदा है पूरा जीवन गंदा है। इसी मन के परिमार्जन के लिए ध्यान शिविर है, मन को देखो परखो छीण करो उसके विकारों को, एक आधार में मन को ठहराओ, बंद आँखों में जो दिखाई दे उसी मन ठहराओ, सांस पर मन ठहराओ, साक्षी भाव में मन ठहराओ, जिस किसी प्रकार मन के संकल्प विकल्प को कम करो। एक लागे कोई सिद्ध नहीं होता, कोई घबराओ ना, जितने यहाँ उत्तम मध्यम कनिष्ठ साधक हैं, पहली बात तो यह है कि आप सब घर के प्रपंच से रहित होकर के आश्रम में रह रहे हैं, स्वच्छ वातावरण है और स्वच्छ सादा भोजन खाते हैं और ज्ञान की बात सुनते हैं, ध्यान
ध्यान में बैठते हैं, जितना कर पाते हैं करते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, तो लाभ तो सबको है। अब जितना जितनी जिसकी शक्ति है, अभ्यास है, उतना लाभ होगा। लेकिन लाभ सबको है। केवल मन को परिमार्जित करने के लिए अध्यात्म का सारा सारे साधन उसके हैं। एक मन निर्मल हो गया, जीवन आनंदमय हो गया, और एक मन गंदा हो गया, सब क्लेश क्लेश है। और हर साधक को अपने पूर्व जीवन की स्थिति को देख करके सीख लेनी चाहिए। मुझे तो इससे बड़ी सीख मिलती है। कभी बैठा हूँ, लेटा हूँ, बीती घटनाएं याद आती हैं, तो तुरंत समाधि लग जाती है, कुछ सोचने नहीं पड़ता। बीती घटनाएं सब मर गई, अनुकूल भी मर गई, प्रतिकूल भी मर गई, कुछ भी नहीं है। आजकल में शरीर मर करके पता नहीं कहाँ जाएगा। इंग्लैंड अमेरिका में किसी खेत में पड़ा हुआ मिट्टी का लौंदा जितनी दूर है, उतनी दूर ये अपना माना हुआ शरीर है। आजकल में यही होगा, क्या रह जाएगा। इसलिए अपने मन को सब तरफ से समेटो, व्यवहार करो, मेहनत करो, जिसकी जो ड्यूटी है अपने काम में ढिलाई न करें, काम ठीक से करें। लेकिन मन को शुद्ध करने, परिमार्जित करने, एकाग्र करने, समाधिलीन करने में लगो, ये काम करो। इसके बिना परम शांति नहीं मिलेगी। शिव संकल्प और सदगुरु कबीर का नलनी काहिर नलनी तुक मिलानी, दोनों के द्वारा मन के शुद्धिकरण का उपदेश है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर।